दीनानाथ छाने कोने, अरे दीनानाथ अब सुनो ये भजन आप जब जब गाते हो, ये भजन आप जब जब गाते हैं, इसके आखिरी अंतरे में आपके मुख से शब्द निकलते हैं और बाबा अपने आप जाकर झूले में बैठ जाता है। कैसे? मुरली अधर पे कदम तले झूमे, अरे भगत खड़ा तेरे चरणन झूमे, बोलो खाली हाथ बोल कैया जाऊं तेरे, अरे खाली हाथ बोल कैया जाऊं तेरे तेरे से बाबा। क्या बात, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, हाँ मैं वो बन जाऊं जो तेरी। देखिए आज के दौर में जब इंसान बहुत थक हार जाता है, जब सारी अर्जियां लगाकर हार जाता है, उसके बाद अगर सरल शब्दों में आपको अपनी बात रखनी हो, बिल्कुल सरल भाव के साथ हाथ जोड़कर उसे कह दो, हमको तो आसरा है, अजी हमको तो आस, दर मिल गया ओ श्याम बाबा का दर मिल गया, एक बेघर को घर मिल गया, बोलो श्याम बाबा का दर मिल गया, एक बेघर को घर मिल गया, जैसे भटके से राही को यूं, अरे जैसे भटके से राही आशियां चांद पर मिल गया, जैसे भटके से राही को यूं आशियां चांद पर मिल गया। अच्छा, वो दो महीने पहले 11 पर जो गया वो याद आ रहा है, आ दूं फिर से, भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, कृपा कृपा का आकलन ये है, अजी भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, दुख आते हैं हम पर तो रोते, दुख आते हम क्यों दिन रात, दिन रात खबर ले रहा है, दिन रात खबर ले रहा है, वो नसीबों से ज्यादा तेरा है, बोलो वो नसीबों से ज्यादा बिन, क्या लिखा है, बिन पानी के नाव घे रहा है, बिन पानी के नाव घे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, महाराजा है वो, मेरी औकात क्या महाराजा,
फिर भी साथ, फिर भी साथ मेरे रह रहा है, फिर भी साथ मेरे रह रहा है, नसीबों देखो भगत की अलग अलग वैरायटी है। एक भगत गया बोले बाबा तूने ही बरकत दी है, तूने ही व्यापार बढ़ाया है, उस व्यापार को छोड़कर चला जाऊं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई दूसरा हाथ नहीं है, आज तेरे दरबार में दुकान बंद करके आया हूं। किस लिए आया हूं? आज तुझसे एक डील फाइनल करनी है। किस बात की डील? तो से यो मंदिर ना छूटे मोसे यो घर बार, तो से यो मंदिर ना छूटे मोसे यो घर बार, तो से यो मंदिर ना छूटे मोसे यो घर बार, हम दोनों को वो मिल जाए जिसको जो दरकार, हम दोनों को वो मिल जाए। देखो अगर आपको अच्छा लगे भगत ने क्या डील क्या कॉन्ट्रैक्ट रखा है, भगत ने कितनी बड़ी बात बोली है, लिखने वाले के लिए तालियां बजाना। तो से यो मंदिर ना छूटे मो से यो घर बार, और हम दोनों को वो मिल जाए जिसको जो दरकार, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, तो घर मन। अब सुनिएगा, भगत ने अपनी बात को रखने के लिए एग्जाम्पल क्या दिया, बाबा से कहा बाबा मंदिर पे तेरे बाबा हक ना हमारा, मगर मेरे घर पे बाबा हक है तुम्हारा, मगर मेरे घर पे बाबा हक है तुम्हारा। जो आज ले जाना चाहते हैं यहां से सुनना ध्यान से, तीन पंक्तियां है सिर्फ, मंदिर पे तेरे बाबा हक ना हमारा, मगर मेरे घर पे बाबा हक है तुम्हारा, सुनना बाबा वो तेरा मंदिर, तू एक दिन बैठ तू 200 साल तक बैठ, अगर वो सिंहासन तेरा है तो तुझे वहीं बैठना पड़ेगा, ये तेरे दरबार की कहानी है, लेकिन हमारे घर की फैसिलिटी क्या है, जहाँ जहाँ पे तुम बैठोगे, जहाँ जहाँ पे तुम बैठोगे वहीं लगे दरबार, जहाँ जहाँ पे तुम बैठोगे वहीं लगे दरबार, अरे हम दोनों को वो मिल जाए जिसको जो दरकार, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, अगर तू घर आ जाए